प्रभुपाद जी बोला करते थे कि इस्कॉन एक क्लब नहीं है। लोग कई बार क्लब बनाते हैं। भारतवर्ष में भी आप लोगों को अनुभव होगा कि झांकी लगाते हैं, झांकी, गणेश उत्सव की झांकी, दुर्गा उत्सव की झांकी। वहां पर गली के कुछ बच्चे साथ में मिलके एक मित्र मंडल बनाते हैं और वो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, झांकी बनाते हैं इत्यादि। कहने का अभिप्राय है कि इस्कॉन उस तरह एक संस्था नहीं है। प्रभुपाद जी की अपेक्षा थी कि इस्कॉन में गंभीर भक्त बने, गंभीर भक्तों की श्रेणी बढ़ती जाए। किसी ने प्रभुपाद जी को बोला कि यदि आप अपने चार नियमों में से एक नियम हटा देंगे तो हजारों हजारों लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि केवल गंभीर लोग ही इस्कॉन में आए। तो उस तरह प्रभुपाद जी की अपेक्षा, प्रभुपाद जी के निर्देश के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी का सानिध्य हमें नहीं मिला, लेकिन प्रभुपाद जी जब इस पृथ्वी पर थे तब भी वह अपनी पुस्तकों को पढ़ने पे बड़ा बल देते थे। उस समय तो कई बार किताबें ज्यादा उपलब्ध नहीं होती थी, तो एक ही किताब में से भक्त लोग बारी बारी से पढ़ते थे। मानो एक ही किताब मंदिर में है तो 1 घंटा एक भक्त पढ़ेगा, फिर दूसरे भक्त का टर्न आएगा, फिर तीसरे भक्त का टर्न आएगा। तो बड़ी गंभीरता से भक्त लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते और समझते कि प्रभुपाद जी वास्तव में हमसे चाहते क्या है। देखिए, जितना हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा उतनी ज्यादा हम भौतिक और हमारे आध्यात्मिक जीवन में आने वाली समस्याओं से ऊपर उठ सके। मैं एक उदाहरण सुन रहा था हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज का। वो जब जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट थे तो जुहू मंदिर में बड़ी मुश्किलें आया करती थी। इस्कॉन का इंडिया में, विश्व में ही एक तरह से सबसे बड़े प्रोजेक्टों में से एक था। तो गिरिराज महाराज सोचते थे मैं कैसे सॉल्व करूं इनकी समस्याओं को। तो वहां पर हर संडे 24 आवर कीर्तन हुआ करता था। तो गिरिराज महाराज क्या करते थे, जब भी कोई कुछ कंप्लेन लेके आता था तो गिरिराज महाराज बोलते थे एक काम करो, तुम सोमवार के दिन मुझसे मिल लो। और जाते जाते उसको बोलते थे वो जो अपना 24 घंटे वाला कीर्तन का प्रोग्राम है ना, उसमें जरूर आ। तो रविवार को जब भक्त लोग उस कीर्तन को अटेंड करते, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते, तो मंडे को कोई आता ही नहीं था उनके पास, क्योंकि उनकी समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाती। कहने का अभिप्राय है, हम लोग सोचते हैं ये कठिनाई है वो कठिनाई है, बहुत सारी समस्याएं बहुत है, समाधान एक ही है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में गंभीर बने। जितना ज्यादा हम गंभीर बनेंगे उतना ज्यादा ही हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। देखिए, व्यक्ति क्यों समस्याओं में पड़ता है, हमने पिछली बार भी कुछ चर्चा की थी, आज भी हम थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे। दो तरह के लोगों के बारे में भगवान ने गीता में बताया है, एक महात्मा एक दुरात्मा। दुरात्मा कौन है? दुरात्मा वह व्यक्ति है जो महामाया के अंतर्गत काम करता है। महात्मा कौन है? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रित, जो देवी प्रकृति योग माया राधा रानी की शरण में शरणागत होके आराधना राधा के समीप, राधा की अनुगत्य जो आराधना करे, जो भक्ति करे, वो महात्मा है। दुरात्मा जो राधा के विपरीत महामाया अपराध, राधा से दूर अपराध, महामाया के निकट दुरात्मा। दुरात्मा व्यक्ति को त्रिता परेशान करते हैं। और जो महात्मा है उनकी क्या गतिविधि होती है वो आज हम इस तीसरे नंबर के श्लोक में पाठ करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति कैसे बढ़ती है। देखिए, हमने पहले श्लोक में देखा कि क्या वेग होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए।
और फिर हमने दूसरे श्लोक में देखा कि भक्ति कैसे घट जाती है, कैसे भक्ति का नाश विनाश हो सकता है, लेकिन अभी हम सकारात्मक बात कर रहे हैं कि भक्ति कैसे बढ़ती है। उपदेशामृत का तीसरा श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति क्षणविर भक्ति प्रसिद्धति प्रसिद्धति, भक्ति का उत्थान। और घंटों घंटों नहीं, महीनों महीनों में नहीं, सालों साल बाद नहीं, क्षण भेर एक क्षण में भक्ति का उत्थान हो सकता है यदि हम इन छह बातों का ध्यान रखें। क्या है छह बात? भक्ति में उत्साह रहे, भक्ति में उत्साह के साथ निश्चय रहे, निश्चयार्थ डिटर्मिनेशन, और इन दोनों के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है धैर्यार्थ। उत्साह तो रहे, निश्चयता के साथ अपने उत्साह के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन धैर्य भी साथ में रहे, क्योंकि धैर्य के बिना उत्साह और निश्चय केवल अयदि रहेंगे तो हम बहुत सारे अपराध कर बैठेंगे। तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, जो भक्ति के पथ हैं उसका अनुगमन में जो जो नियम है, विधि निषेध है, उनका पालन करना। संग त्यागात, ऐसे लोगों की संगति जिससे भक्ति का विनाश हो, ऐसे लोगों की संगति को त्यागना। और सतो वृत्ति, अपनी वृत्तियों को, अपनी मानसिकता को, अपनी चेतना को सतो ऊपर की तरफ ले जाए साधुओं का अनुगत करके। सतो वृत्ति बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है, जहां पर श्रील रूप गोस्वामी हमें शिक्षा दे रहे हैं भक्ति के पथ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये जानने के पहले कि भक्ति के पथ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये जानना जरूरी है कि भक्ति क्या है। और भक्ति क्या है इससे जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि भक्ति क्या नहीं है। श्रील प्रभुपाद अपना तात्पर्य बहुत सिस्टमेटिकली लिखे हैं, एक एक शब्द एक एक लाइन बहुत सोच समझ के। प्रभुपाद जी पहले अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्ति क्या नहीं है। क्या नहीं है भक्ति? भक्ति सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, अपने मन के विचारों के अनुसार जो लोग तुक्केबाजी करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उस तरह भक्ति नहीं है। भक्ति किसी के अनुगत्य करने की क्रिया है, और ये इमेजिनेटिव एक्सटेसी भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें बहुत मजा आ रहा है, हमें कीर्तन में रोना आता है, हमें प्रवचन में रोना आता है, भले ही हमारी आदतें ना सुधरें। इमेजिनेटिव एक्सटेसी। एक बार श्रील प्रभुपाद वृंदावन में प्रातःकालीन सैर कर रहे थे, और प्रातःकालीन सैर करते करते प्रभुपाद जी जब मंदिर वापस लौटे तो एक भक्त मंदिर के द्वार पे खड़े होके बड़े बड़े श्लोकों का उच्चारण कर रहा था गुरु की महिमा के ऊपर। प्रभुपाद जी सीधे निकल गए। अगले दिन फिर आए तो फिर वो भक्त वहीं पर बड़े बड़े श्लोकों का गुणगान कर रहा था। प्रभुपाद जी ने रुक के बोला, व्हाई डोंट यू डू समथिंग प्रैक्टिकल, आप क्यों कुछ व्यवहारिक चीज नहीं करते, केवल श्लोकों का गुणगान करने से आप सोच रहे हैं आप बहुत बड़े भक्त बन गए। दूसरा एक और भक्त था जो कहीं से तो राधा कुंड वगैरह से और सिद्धि मंत्र लेकर के आ गया, और उसको ऐसा बोल दिया किसी ने कि आप आध्यात्मिक जगत में मोर हैं, तो वो रात में वेशभूषा अपनी मोर जैसी बना करके नाचने लगता था आंगन में कृष्ण बलराम मंदिर के, और वहां पर बड़ी बड़ी मोर जैसी आवाजें निकालता था। बाद में प्रभुपाद जी को जब पता पड़ा तो प्रभुपाद जी ने उसको बहुत डांटा और वहां से हटा दिया। इमेजिनेटिव एक्सटेसी भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, हम आगे देखेंगे। देखिए, इसलिए भक्ति का पालन करने के लिए अनुगत्य होना, अनुशीलन करना, किसी भक्त की गाइडेंस में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमें ये लगने लगेगा कि हम बहुत बड़े भक्त हैं और हमें सबको सम्मान देना चाहिए, सब लोगों के सम्मान के पात्र हैं हम लोग सबसे उच्च कोटि के वैष्णव बन गए हैं,
इस तरह की भावना जब रहेगी तो हम भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक गांव में एक मुर्गा था। मुर्गा का काम क्या होता है, सुबह उठता है और सुबह उठ के वो बाग देता है। बाग देने से उसको लगने लगा कि मैं जब बाग देता हूं तभी दिन होता है। तो एक दिन वो सड़क पे खड़ा था और सड़क पे जब वो खड़ा था तो एक बैलगाड़ी आई तो उसको हटा दिया वहां से। तो वो इतना हर्ट हो गया, उसको लगा अरे मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ इस गांव का और मैं सड़क पे खड़ा था, इन लोगों ने मुझे इस तरह से तिरस्कृत कर दिया, हटा दिया यहाँ से। मैं अगर बाग नहीं दूंगा तो सूर्य उदय नहीं होगा, इन लोगों को मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ही नहीं है। ये शब्द सुनने में आते हैं कई बार, भक्त समाज में भी सुनने में आते हैं। बोलते मेरी वैल्यू नहीं है, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतना प्रचार कर रहा हूँ। तो मुर्गा इस तरह सोचने लगा कि मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, और वह गांव छोड़ के दूसरे गांव में चला गया और सुबह के समय पे फिर बाग दी। और वो बोलने लगा देखो अब उस गांव को समझ में आएगा, मैं जो उस गांव से इस गांव में आ गया, सूरज भी इस गांव में आ गया, अब उस गांव में अंधेरा ही पड़ा होगा, अब उन लोगों को मेरी वैल्यू समझ में आएगी। तो व्यक्ति इतना मूर्ख बन जाता है कि वो सोचता है कि उसके ही आधार पे पूरा कृष्ण भावनामृत चल रहा है। भक्ति इस तरह इमेजिनेटिव नहीं है, भक्ति स्पेकुलेशन नहीं, भक्ति सेवा है। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी इसलिए जोर देते थे नित्यम भागवत सेवा, नित्यम भागवत सेवा। हम सुने, हम सब समझें, सिद्धांत को समझें कि हम लोग जो भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं वो भक्ति है क्या। श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत ग्रंथ में बताते हैं, अन्य विलाशिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है, भक्ति तो बहुत हो सकती है, मिश्रित भक्ति भी है, कर्म मिश्रित ज्ञान मिश्रित, लेकिन भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति के लक्षण क्या है। उत्तम भक्ति है अन्य अभिलाषिता, अभिलाषा शून्य के बारे में बात नहीं हो रही। हम लोग अभिलाषा शून्य नहीं हो सकते कि हमारे मन में कोई विचार ही ना आए, ऐसा करने को रूप गोस्वामी नहीं बोल रहे, लेकिन अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण से जो अन्य अभिलाषाएं हैं, कृष्ण संबंधी जो अभिलाषा नहीं है, कृष्ण को सेवा करने की अभिलाषा नहीं है, उस अभिलाषिता से हमें मुक्त होना है। और किससे मुक्त होना है, ज्ञान कर्म आदि अनावृत, ज्ञान और कर्म की आवृत्तियों से हमें मुक्त होना है। ये ज्ञान और कर्म भक्ति को ढक देते हैं, इसमें कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, इसीलिए ज्ञान और कर्म से मुक्ति। और कृष्ण अनुकूल, अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के अनुकूल हो उसी को भक्ति कहते हैं। कंस हर समय कृष्ण का चिंतन करता था लेकिन अनुकूल चिंतन नहीं करता था, प्रतिकूल चिंतन, इसलिए उनकी भक्ति नहीं होगी, नहीं जाएगी। वृत्रासुर भी राक्षस था लेकिन अनुकूल चिंतन करता था, अहम हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो। वो भगवान का चिंतन प्रतिकूल भाव से नहीं अनुकूल भाव से करता था, प्रतिकूल शरीर था लेकिन उनका भाव अनुकूल था, इसलिए शुद्ध भक्तों में गणना होती है वृत्रासुर की। भीष्म पितामह स्वयं लड़े कौरवों की साइड लेकिन महाजनों में गिनती होती है क्योंकि अनुकूलेनु कृष्णान, कृष्ण चाहते थे वही काम किया। और दामोदर लीला में भी हम देखते हैं कैसे माता यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही है लेकिन जब आग पे रखा हुए पतीले में से दूध बाहर निकलने लगा तो कृष्ण को छोड़ के वो पतीले को उठाने के लिए यशोदा माता चली जाती है। एक तरह से कृष्ण नाराज हुए लेकिन कृष्ण के अनुकूल सेवा थी, इसीलिए यशोदा माता वहां से कृष्ण को छोड़ के चली गई दूध उठाने के लिए। मान लीजिए कोई भक्त भगवान की आरती कर रहा है और आरती करते करते उसका ध्यान जाए कि भगवान के पीछे के पर्दे में आग लग गई, तो वो क्या करेगा,
आरती करेगा कि पर्दे में से आग बुझाएगा? आरती करता छोड़ के भागेगा, पहले पर्दे की आग बुझाएगा, क्योंकि कृष्ण अनुकूल है, कृष्ण को ताप लग सकता है। इसीलिए हमें पहले ये सोचना है कि हमारी भक्ति कृष्ण अनुकूल है कि नहीं, तभी भक्ति कहलाएगी। हम स्वयं की इंद्र तृप्ति के लिए, अपने मान सम्मान के लिए यदि भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है, कृष्ण अनुकूल। और उसके बाद अनुशीलनम, अनुशीलनम अनुगत होके कल्टीवेशन। ये भक्ति की पंथा बड़ी ही प्रैक्टिकल है, बड़ी स्टेप बाय स्टेप, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इसमें जल्दीबाजी नहीं होती और आलस भी नहीं होता। नॉट आइडल मेडिटेशन, प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते, फालतू भी नहीं बैठना है और जल्दीबाजी भी नहीं करनी। भक्ति इज नॉट फॉर इजी, लेजी, क्रेजी, तीनों के लिए नहीं है, इन लोगों के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति बड़े बड़े सुमेधसा, जो सुमेधसा लोग हैं, जो भक्ति पथ में वास्तविक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति उन लोगों के लिए, गंभीर लोगों के लिए। इसलिए भक्ति जीवन में प्रभुपाद जी बताते हैं, इट इज नॉट आइडल मेडिटेशन बट इट्स प्रैक्टिकल एक्टिविटी, प्रैक्टिकल कल्टिवेशन। हमें प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में अपना ध्यान देना होगा। सेवा से हमारी भक्ति की वृद्धि होती है। हम कई बार बोलते हैं प्रचार नहीं बढ़ रहा, प्रचार नहीं बढ़ रहा, हम जिन लोगों को प्रचार करने में गंभीर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इतना ज्यादा बटर मक्खन लगा रहे हैं उनको, सेवा में नहीं नियोजित कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति सेवा नहीं करेगा तब तक भक्ति में नहीं आगे बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। ये सिद्धांत जो हम सुन रहे हैं, इनको पचाने के लिए भी सेवा चाहिए। मान लीजिए किसी की जठराग्नि बुझ जाए, कितना भी भोजन खाए, खिचड़ी भी पानी भी पिएगा तो नहीं पचेगा। इसी तरह से भक्ति की सिद्धांतों को यदि पचाना है तो सेवा बहुत जरूरी है। हम देखते हैं जयानंद प्रभु इस्कॉन में कैसे जुड़े, सेवा के माध्यम से। जयपताका महाराज कैसे जुड़े, सेवा के माध्यम से। पहले दिन इस्कॉन में आए, सेवा के माध्यम से। तो अगर हम भक्ति में बहुत साल बिता भी चुके हैं तो भी हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि हम लोग भक्ति में कितने ज्यादा संलग्न हैं, भक्तिमय सेवा में। साधना तो हम कर रहे हैं, लेकिन साधना का अर्थ है साध्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग, और बिना भक्तिमय सेवा के साध्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति का मतलब है कृष्ण अनुकूल सेवा, जो ज्ञान कर्म से अनावृत हो, अन्न अभिलाषिताओं से मुक्त हो। तो इस तरह भक्ति का अनुशीलन कैसे करें, कैसे करें? ठीक है, समझ गए भक्ति करना है, कैसे करें? नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य, पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास, ये नवदा भक्ति। नवदा भक्ति जो प्रहलाद महाराज अपने पिता को बताते हैं, श्रवण कीर्तन से जो शुरू होती है, ये भक्ति है, सरल परिभाषा। लेकिन ये नवदा भक्ति भी उत्पात मचा सकती है यदि शास्त्र और गुरु के आश्रय में ना हो। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिकीर हरि भक्ति उत्पाद एव कल्पते। अगर हम सोचें कि नहीं, अब तो हम समझ गए, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, बाकी इत्यादि नवदा भक्ति करनी है, अब हमें शास्त्रों की जरूरत क्या है, अभी हमें गुरु की शुरुआत किया, तो ऐसी भक्ति उत्पात मचाएगी, उत्पाद एव कल्पते, समाज में उत्पाद मचाएगी, हमारे जीवन में उत्पाद मचाएगी। इसलिए कई बार भक्ति जीवन का अनुशीलन करते करते आगे हमें लगता है कि अरे भक्ति करने से तो समस्याएं बढ़ गई, मैं तो इतनी टेंशन में आ गया, इतनी समस्याओं में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि गाइडेंस लेना छोड़ दिया, गुरु आश्रय, वैष्णव आश्रय, शास्त्र आश्रय लेना छोड़ दिया। इसलिए उत्पाद एव कल्पते, उत्पात मचने लगा। कोई बहुत बड़ा भक्त भी बन जाए तो भी उसे गुरु वैष्णव का आश्रय बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता कि मैंने आप लोगों के साथ ये कथा पहले बताई है, शेयर की है कि नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत प्रभावित करती है। आप
कितना भी ऊपर पहुंच जाए भक्ति में, लेकिन सतोवृत्ति, साधुओं के संगति में आगे बढ़ना, उनके निर्देशनों में पालन करना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त अनुशीलन, स्टेप बाय स्टेप किसी का अनुगमन करना बहुत जरूरी है। एक बहुत महान भक्त हुए वृंदावन के हरिवंश, आप सभी लोग वृंदावन गए हैं, वहां पर बहुत सुंदर मंदिर है राधा वल्लभ जी का, और वो राधा वल्लभ जी को सेवित सेवा करते थे हरिवंश, बहुत महान भक्त थे और स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। इतने महान भक्त थे कि इन्हें राधा रानी और कृष्ण के दर्शन होते थे साक्षात ब्रजमंडल में। एक दिन एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन ये हरिवंश पान चबा रहे थे, तो पान चबाते चबाते जब ये आ रहे थे तो बीच में इनके गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी मिल गए। उन्होंने पूछा, हरिवंश तुम क्या खा रहे हो? हरिवंश बोलता है, गुरु महाराज पान खा रहा हूं। तुमको पता नहीं वैष्णव पान नहीं खाते? और उससे भी बड़ी बात, आज एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन पान खा रहे हो? वो बोलता है, गुरु महाराज मुझे राधा रानी स्वयं ने पान दिए। विचार कीजिए, राधा रानी स्वयं आकर के पान दे करके गई हो जिस भक्त को। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते, नहीं आप एकादशी के दिन पान नहीं खाएंगे, बस ठीक है, हरिवंश मान के चले जाते हैं। 15 दिन बाद पुनः एकादशी आती है, पुनः राधा रानी आकर के पान देती है, फिर से हरिवंश खा लेते हैं, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी मिलते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं, फिर से पूछते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं, देखो राधा रानी ने तुमको पान दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग अनुयायी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की आचार्य निष्ठा, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है एकादशी व्रत पालन करना है, अपनी माता सची देवी को बोला, वहां से शुरू करके चैतन्य महाप्रभु हम सबको शिक्षा दिए एकादशी व्रत पालन करना है। आपको राधा रानी ने पान दिया तो भी आपको पान नहीं खाना है, गुरु की आज्ञा ज्यादा जरूरी। गोपाल भट्ट समझ गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, फिर राधा रानी आई, फिर से पान दिया, फिर से खा लिया। यही हमारी समस्या है, अनुगत्य नहीं होना चाहते। उन्हें लगा, देखिए राधा रानी स्वयं पान दे रही है, समस्या क्या है? राधा रानी के हाथ से कुछ मिला है, फिर क्या एकादशी और क्या द्वादशी? अब इस बार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब देखा, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बस हरिवंश का त्याग कर दिया मनोमन कि अभी मैं इस शिष्य का त्याग करता। जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी ने त्याग किया, यह हरिवंश के हृदय में जितना प्रेम जितना आनंद था सब गायब हो गया एकदम। जैसे लाइट बंद करते हैं तुरंत अंधेरा हो जाता है उस टाइम। गुरु अवज्ञा एक ऐसी चीज है, वैष्णव अपराध एक ऐसी चीज है, तुरंत सब गायब हो गया। हरिवंश पागल की तरह इधर उधर भटकने लगे, अरे मेरे साथ क्या हो गया, मेरी भक्ति किधर चली गई? जिसको राधा रानी का दर्शन हो रहा हो उसको बिल्कुल भी मन में प्रेम खत्म। ऐसे ही भटकते भटकते जंगल गया, वहां पर कुछ डकैतों ने उनको पकड़ लिया और उन डकैतों ने उनका गला काट के यमुना में फेंक दिया। आध्यात्मिक रूप से भी गया, भौतिक रूप से भी गया। अब अगले दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना में स्नान करने के लिए गए और वहां पर उनके पैर से कुछ टकराया। उन्होंने नीचे झुक के उठाया तो वो हरिवंश का पैर, उस हरिवंश का सिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पैर में लगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने यमुना का पानी छिड़क के उस कटे हुए सिर से पूछा, हरिवंश तुम्हारी ये स्थिति कैसी हो गई? हरिवंश बोला, गुरु महाराज आपको अपराध करके मेरा इस तरह गति हो गई। राधा रानी तो मुझे पान देती थी लेकिन ये समस्या में ना राधा रानी ने रक्षा की, ना कृष्ण ने रक्षा की, ना किसी ने रक्षा की। जो गुरु के प्रति अपराध करता है उनको कोई रक्षा नहीं करता। तो इस तरह स्थिति में हरिवंश गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलते हैं, गुरु महाराज आपसे आप जो बोलेंगे करिष्ये वचनम तवा, अब आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी पुनः हरिवंश को जीवन दान देते हैं और आगे जाके हरिवंश बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना करते हैं। वृंदावन के बहुत प्रमुख और बहुत ही फेमस संतों में से एक हैं हरिवंश।
तो मेरा कहने का अभिप्राय है, भक्ति जीवन में हमें किसी के अनुगत्य होके भक्ति करना है। कौन भक्ति कर सकता है? प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत सुंदर, एनी सिंसियर प्रैक्टिशनर कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। एनीबडी, कोई भी भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं हमको बहुत बड़ा कोई 30 मार्का बनना है भक्ति करने के लिए, ऐसा नहीं। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम किम सुधा मनोधनम। क्या था व्याध के पास, क्या उनकी क्या आध्यात्मिकता थी, क्या उनके आध्यात्मिक गुण थे, लेकिन भक्त बन गया नारद मुनि के संग से। ध्रुव की क्या आयु थी, ध्रुवस्य का वयो, उसी क्या आयु थी, बिना आयु के ध्रुव कृष्ण को प्राप्त कर गए। गजेंद्र की क्या विद्या थी, गजेंद्र एक पशु थे। कुब्जायाम किम नाम रूपम, उनका क्या रूप था, कुब्जा का क्या सौंदर्य था जो कृष्ण उनको मिल गए। अधिकम किम सुदा मनोधनम, सुदामा के पास क्या धन था। वंशा किम विदुरस्या, विदुर का क्या वंश था। यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम, जो यादवों के पति राजा उग्रसेन थे उनका क्या पौरुष था, जो उनकी सभा में कृष्ण खड़े होकर के, उग्रसेन ऊपर बैठते थे सिंहासन पे और कृष्ण उस सभा में खड़े होके बोलते थे, हे राजन आप मुझे आज्ञा दीजिए क्या करना चाहिए। यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम, उनका क्या पौरुष है, जिसका बेटे ने उनको जेल में डाल दिया था, ऐसा उग्रसेन कृष्ण दोबारा से राजा बनाते हैं और उनके सामने खड़े होकर आज्ञा मांग, क्या कारण है। भक्त्या तुष्टति केवलम ना च गुणेर भक्ति प्रियो माधवा, भक्ति प्रियो माधवा, भक्ति क्या प्रेमी है, भक्ति के प्रेमी है माधव, भक्ति उनको तुष्ट करती है। कोई भी व्यक्ति जो भी थोड़ा भी गंभीर है वो वास्तव में भक्ति जीवन का अनुशीलन कर सकता है। और वो गंभीरता हम कैसे दिखा सकते हैं, हमारा ABCD। ABCD क्या है, यहाँ ABCD थोड़ा सा डिफरेंट है। ए है एटीट्यूड, हमने पहले प्रीफेस में देखा था एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, यहाँ पर रूप गोस्वामी उसी एटीट्यूड को बता रहे हैं 3 गुणों के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह हमारी भक्ति में कितना है, ये उत्साह से पता पड़ेगा कि हम लोग भक्ति में कितने गंभीर हैं। जिसका जितना उत्साह है, आज हम 16 माला का जप कर रहे हैं, क्या 20 साल बाद भी उतना ही कर रहे हैं, क्या आज हम 1 घंटा प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, क्या 20 साल बाद भी उतना ही कर रहे हैं, आज हम श्रील प्रभुपाद के मिशन में 1 घंटा सेवा करते हैं, क्या 20 साल बाद भी उतना ही करेंगे, आज हम थोड़े बीमार हो जाते हैं मंगल आरती नहीं जाते, क्या 20 साल बाद भी उसी तरह रीजन देंगे। हमारी उत्सुकता दिन पे दिन बढ़नी चाहिए, ये उत्साह का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के द्वार पे पहुंचे, हस्तिनापुर का युद्ध सब कंप्लीट हो गया कुरुक्षेत्र का, उसके बाद जब पहुंचे और जब उन्होंने शंख बजाया तो जो जिस स्थिति में था सब कुछ छोड़ करके कृष्ण को लेने के लिए आ गया। वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस ईगरनेस टू गेट कृष्णा इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये कृष्ण को प्राप्त करने की जो उत्सुकता है, इससे कृष्ण प्राप्त होते हैं। हमें प्रयास करना है, बुद्धि लगा के, वही उत्साह है। एंडिवर एक्सिक्यूटेड विथ इंटेलिजेंस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, बुद्धि योग। कृष्ण बोलते हैं गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम, बट किसको बुद्धि योग देता हूं, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो सबके पास है। एक बिल्ली के पास भी बुद्धि है कि किधर से घुस के कहां से कैसे दूध पीना है, उसके पास भी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि योग नहीं सबको भगवान देते। बुद्धि योग मतलब क्या है, तेन माम उपयंती थे, जिससे मेरे पास वापस आ जाए, ये है बुद्धि योग। किसको देते हैं बुद्धि योग,
भगवद गीता दशम अध्याय दशम श्लोक, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। सतत युक्त जो हर समय मेरी सेवा में, मेरी भजन में, मेरे कीर्तन में, मेरे भक्तों की सेवा में, श्रवण में, स्मरण में हमेशा लगा है। सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, गुस्से से नहीं, काउंसलर की डांट से नहीं, साधना कार्ड भरने के डर से नहीं, प्रीति पूर्वकम प्रेम से हमेशा जो भक्तिमय सेवा में लगा रहे, ऐसे व्यक्ति को ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूं भगवान कृष्ण। और ऐसी बुद्धि के प्रयोग से जो व्यक्ति अपनी इंटेंसिटी, अपनी तीव्रता कृष्ण भावना में बढ़ाता जाता है, उस उत्साह से भक्ति की वृद्धि होती है। और ऐसा भी नहीं चलेगा कि आज उत्साह है, कल उत्साह नहीं, परसों दोबारा उत्साह, ऐसा भी नहीं चलेगा। उत्साह के बाद नेक्स्ट क्या है? निश्चय। निश्चय, हम निश्चय करें कि भक्ति जीवन करने से ही हम उत्तम अवस्था में पहुंच जाएंगे। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। कृष्ण भक्ति करने से ही सारे कर्म कृत हो जाते हैं, इस तरह का निश्चय होना आवश्यक है। यदि भक्ति जीवन में निश्चय नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम लोग आज भक्तिमय पंथा में है, कहीं कोई और कल कुछ और अच्छी चीज बता देगा, वहां चले जाएंगे। ऐसे भक्ति नहीं है, विश्वास रखना है। चुनौती आएंगी तब भी विश्वास रखना है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, अवश्य रखी वे कृष्णा विश्वास पालन। निश्चय का मतलब क्या? मैं भक्ति पथ में चलूंगा, समस्या आएगी तो कृष्ण रक्षा करेंगे। धर्म रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करें। और इस पथ में तो गीता में भगवान ने गारंटी दे दी है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयम्। थोड़ा भी यदि इस पथ पे हम लोग आगे बढ़ गए तो त्रायतो महतो भयम्, बड़े बड़े संकट जो इस भौतिक जगत के हैं उनसे भगवान रक्षा करेंगे। और केवल भगवान ही तो रक्षा कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को बोलते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सकते, पिता माता अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, नृसिंहदेव केवल आप ही रक्षा कर सकते। क्योंकि भगवान हमें केवल भौतिक शरीर की रक्षा ही नहीं, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो जरूरी है वह देने के लिए बिल्कुल तैयार है। भगवान चैतन्य चैतामृत में बोलते, अमी बिक यही मूर्खे विषय के बादी वो स्वचरणामृत दिया विषय मिलाए। मैं बहुत ज्ञानी हूं और मेरे भक्त हो सकता है मूर्ख हो, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं। मैं इनको कैसे विषय सुख दे दूं? ये मांग रहा है लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैं अपने चरणामृत का रसपान करा के इनको विषय भुला दूंगा। और भगवान जानते हैं कि हमें दे करके शुद्ध करेंगे या ले करके शुद्ध करेंगे। बलि महाराज के केस में भगवान ने सब कुछ ले लिया, दो पग में पूरा पृथ्वी आकाश नाप लिया, तीसरे पग में बोलते हैं क्या दोगे, बलि महाराज आत्मसमर्पण कर देते हैं, भगवान उनको सुतल लोक में भेज देते हैं, सब कुछ ले करके कृपा की शुद्ध कर दी। सुदामा के केस में उल्टा, सुदामा को यह अभिमान था कि हम बहुत बड़े भिखारी, तो सुदामा के केस में दे करके, संपत्ति दे करके शुद्ध कर दिया। अभी किस बात का घमंड करोगे? तुम्हें घमंड था तुम्हारे पास राज्य है, बलि महाराज का सब कुछ ले लिया। सुदामा को घमंड था कि उसके पास कुछ नहीं है, उसको सब कुछ दे। तो कृष्ण शुद्ध करके अपने भक्तों को लाने के लिए तैयार है। हमें निश्चयता से आगे बढ़, बलि की बहुत परीक्षा ली भगवान, बहुत परीक्षा ली। वास्तव में भगवान ने छल किया लेकिन परीक्षा बलि के लिए। बलि निश्चयता से खड़े हैं, नहीं भगवान रक्षा करेंगे, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, उत्तीर्ण करेंगे। इसलिए तीसरा गुण बहुत आवश्यक जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अति आवश्यक गुणों में से है, मैं तो बोलूंगा सबसे महत्वपूर्ण गुण है भक्ति जीवन में, धैर्य। धैर्य रखना,
इट रिक्वायर्स ओशन ऑफ पेशेंस इन डिवोशनल सर्विस. समुद्र समान धैर्य लगता है कृष्ण भावनामृत में. प्रभुपाद सिंपल उदाहरण देते हैं. मान लीजिए किसी दंपति की नई नई विवाह हुआ और पत्नी बोले मुझे एक दिन के अंदर बच्चा चाहिए. नहीं हो सकता, उन्हें धैर्य रखना पड़ेगा. उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में हमें धैर्य रखना पड़ेगा. अधिकतर लोग जो कृष्ण भावनामृत में परेशान हो जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, वो इसी कारण से कि वो धैर्य नहीं रख पाते. हम लोग बाहर की जगत में कितना धैर्य रखते हैं, कितना धैर्य रखते हैं आप सोचिए. मैं तो देखता हूँ कभी कभी बाहर जाना होता है प्रचार कार्य से, एयरपोर्ट्स वगैरह में जहां पर बड़े बड़े लोग आते हैं, वो लोग भी लाइन में लग करके धैर्य से खड़े रहते हैं. हाँ, कहीं पर जाना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना धैर्य. वहीं एयरपोर्ट पे हम देखते हैं कहीं स्नैक्स बार है, कहीं आइसक्रीम पार्लर है, वहां लाइन में लोग खड़े होके, बड़े बड़े लोग हैं जिनके घरों में बड़े बड़े नौकर है, वो लोग भी लाइन में खड़े होके आइसक्रीम की लाइन में लगे. क्यों? इंद्रिय तृप्ति, थोड़ा ठंडा थोड़ा मीठा कुछ चखने के लिए मिलेगा, इसके लिए भी धैर्य रखते हैं. तो कृष्ण प्राप्ति के लिए हमारे अंदर धैर्य क्यों नहीं? हमें धैर्य रखना बहुत आवश्यक है. हमने अपने जीवन में जितना काल, पिछला जन्म भूल जाइए, केवल इसी जन्म का यदि कैलकुलेशन करें, इसी जन्म में जितना साल माया को दिए हैं, उतना साल तो कम से कम कृष्ण को दे करके फिर कंपेरिजन करें. पिछले जन्म सब भूल जाइए, इसी जन्म में जितना साल माया को दिए हैं, कोई 15 साल की उम्र में भक्ति में आया, कोई 30 साल में, कोई 40 साल में, तो जितने साल माया को दिए कम से कम उतना साल भगवान की सेवा में दे करके फिर कंपेयर कीजिए कि क्या हो रहा है. लेकिन 40-50 साल माया को दे दिए, पिछले जन्मों का तो हिसाब ही नहीं, और 2 महीना जब करने के बाद पूछते हैं अरे क्या हुआ, भक्ति जीवन में तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा. इस तरह पेशेंस खोने से भक्ति जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाए. इसलिए भक्ति जीवन में धैर्य रखना अति आवश्यक. और उस धैर्य के साथ साथ, ये तीनों गुणों के साथ साथ, जो एक क्वालिटी है चौथी, जो प्रभु जो रूप गोस्वामी पिछले श्लोक में ही बताए, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगस्य लोलन, जनसंग छोड़ना है. वही दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस श्लोक में. संग त्याग असत संग त्याग यही विष्णुवाचा. असत संग त्यागना है. असत संग जब तक नहीं त्यागेंगे, जब तक कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. असत संग हमारे कृष्ण भावना को छीन लेती है. चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मुझे आप शेर के साथ एक पिंजरे में डाल दो, मुझे आप मगरमच्छ के साथ एक तालाब में डाल दो, लेकिन मुझे एक अभक्त का संग मत दो. क्योंकि शेर और मगरमच्छ मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये अभक्त व्यक्ति मेरी चेतना खत्म कर देगा, मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम खत्म कर देगा. इसलिए मुझे इन अभक्तों के साथ नहीं रहना. असत संगत्या ए वैष्णवाच. कई बार झुकने से लाभ होता है. रूप सनातन के पास रूप नारायण आ गए, बोले मैं तुम्हारे साथ तर्क वितर्क करूंगा. रूप सनातन ने लिख के दे दिया, ठीक है आप जीते हमारे संगति आगा. तो क्या संगति करेंगे उस व्यक्ति, उनके साथ वाद विवाद करके कोई लाभ नहीं होने वाला, हमारा समय नष्ट होगा, बल्कि उनकी कलुषित चेतना हमारे अंदर आ जाएगी. इसलिए हम लोग को बहुत चयन करके संगति करना चाहिए. जो लोग हमारे भक्ति जीवन की हानि कर दे, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना. नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते, तादिर चरण से भक्त सनेवास, जनमे जनमे होए अभिलाष. जन्म जन्म हमारी एक ही अभिलाषा हो कि वैष्णवों के चरण में हमको आश्रय मिल पाए. साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाई, संसार जीने ते और कौन वस्तु नाई. संसार में प्राप्त करने लायक और कोई वस्तु नहीं है, केवल साधुओं के संग में कृष्ण नाम लेने का अवसर. साधुओं के संग में कृष्ण नाम लेने का अवसर यदि मिल रहा है, इससे बड़ी वस्तु 14 भुवन माझे
14 भवनों में ऐसी वस्तु नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, साधु संग कृष्ण नाम। इसलिए हम लोग को असत संग त्याग, ये गन्ना चबाने के समान है। किसी को यदि गन्ना चबाने का शौक हो और उसको आप बांस दे दें, वो बांस नहीं चबाएगा, उसमें कुछ में कोई रस नहीं आएगा। ये साधु संग गन्ना है, असत संग बांस है। उस बांस को छोड़ के इस गन्ने को स्वाद लेना है। और आगे क्या बता रहे हैं, तत् तत् कर्म प्रवर्तना, भक्ति के सिद्धांतों का निष्ठा से पालन कर। ये चलता है, मानसिकता जो है ना चलता है, ये तो चलता है प्रभु जी, ये भी चलता है, कभी कभी चलता है। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से आध्यात्मिक उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आध्यात्मिक उन्नति तो छोड़ दीजिए, नेग्लेक्ट ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स विल डिस्ट्रॉय डिवोशनल सर्विस। आध्यात्मिक नियमों का उपेक्षा करने से आध्यात्मिक उन्नति तो छोड़ दीजिए, भक्ति जीवन का विनाश हो जाता है। क्या अपेक्षा है गुरु वैष्णव की? चार नियमों का पालन, 16 माला का जप, हमारी भक्ति के लिए आचार्य निष्ठा रखनी चाहिए। आचार्य ने बोला इतना करो, बस करना है। एक बार प्रभुपाद जी के एक बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं, प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने बोला कि अगर आप ये नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जब 4 नियम का पालन करेंगे, तो आपका भक्ति में कभी पतन नहीं होगा। तो एक भक्त ने बाद में पूछ ही लिया कि प्रभु जी, आप तो पहले सन्यासी थे, आप कुछ समय के लिए इस्कॉन से चले गए, बाद में शादी कर ली, अभी गृहस्थ हैं, तो कैसे समझें आप कैसे चले गए इस्कॉन छोड़ के? तो उन्होंने बोला, मेरा आंसर मेरे ही प्रवचन में था, क्योंकि मैं 16 माला का जप नहीं कर रहा था, मैं 4 नियम का पालन नहीं कर रहा। जहां हम नाव में छेद होने देंगे, पानी एक दिन हमको अंदर आकर डुबा देगा। अपने स्वयं की नाव में छेद है, उसका आनंद ना लें, उस छेद को भरें तुरंत, नहीं तो नाव डूब जाएगी। तो ये 16 माला, 4 नियम का जप, तत् तत् कर्म प्रवर्तना, गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा, जो सिद्धांत दिए गुरु के सामने, अग्नि के सामने हमने जो नियम लिए हैं, उनका निष्ठा के साथ पालन करना, तभी भक्ति जीवन का सुरक्षा होगी। नहीं तो क्षणविर भक्ति विनश्यति, क्षण भर में भक्ति का विनाश हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते थे, आप लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति की चिंता मत कीजिए, आप केवल मेरे बताए हुए मार्ग पे चलिए, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, गुरु निष्ठा से यदि गुरु के सिद्धांत का पालन करें, सारी आशाओं की पूर्ति होती। उस विश्वास के साथ तत्त्व कर्म प्रवर्तना बहुत आवश्यक है। और आगे सतोवृत्ति, सतोवृत्ति आगे अपनी चेतना को सतो गुण में बढ़ाएं, कृष्ण चेतना में बढ़ाएं, आध्यात्मिक गुरु जनों की आज्ञा का अनुशीलन करना सीखें। जितना सकारात्मक कृष्ण भावनामृत का अर्थ प्रवृत्ति होगा, उतना अनर्थ निवृत्ति स्वतः हो जाए। हमको जबरदस्ती अनर्थों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, जन निवास प्रभु हमारे कॉलेज के पास में ही आए थे, तो हमारे कुछ मित्र उनसे मिलने के लिए गए जन निवास को, उनसे बड़े प्रश्न पूछ रहे काम वासना के ऊपर, काम वासना के ऊपर। वो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे। जन निवास को ने बहुत अच्छी एक बात बताई, उन्होंने बोला, देखो जो ज्यादा इस तरह बात करता है ना, काम वासना कैसे जय करना है कैसे, वो पहले उसका पतन होता है। अनर्थ की चेतना रखना हमारा कार्य नहीं है, हमें अनर्थ कॉन्शियस नहीं होना, हम कृष्ण कॉन्शियस होना। सतोवृत्ति, आप अपना आध्यात्मिक स्तर इतना बढ़ा लीजिए कि कृष्ण भावनामृत के बल से परम दृष्टा निवर्तते, अनर्थ अपने आप दूर हो जाए। समय नहीं मिलेगा, हमारा उस तरफ रुझान ही नहीं रहेगा, उस बांस को चबाने में आनंद ही नहीं आएगा। जब आप शुद्ध गन्ने का जूस पी रहे हैं, रसोहम अपसुकौन्ते, ये रस का स्वादन जो कर ले,
भावनामृत का रस वो क्यों भौतिक जड़ जिस रस है ही नहीं वास्तव में, वो क्यों दुखालय शाश्वतम की पिटाई खाए? उस तरह सतो वृत्ति अनुशीलन साधुओं का संग, केवल हमको फॉलोअर बनना है। यदि हम फॉलोअर बन गए भक्ति जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते। रूप गोस्वामी पाद इतने सुंदर उपदेश दे रहे हैं, केवल हम कोशिश करें इन श्लोकों को कंठाहार कर लें, याद कर लें। अगर घर में लिख के कहीं पर लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में ये जो रूप गोस्वामी पाद जो सिद्धांत बता रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में सफल होने की कुंजी है। लेकिन हमारे लिए तो एक ही धन है, भक्ति धन। ये भक्ति धन गुरु कृष्ण की संपत्ति है, हम केवल उनका अनुगत्य करना चाहते हैं। कृष्ण से तुमार कृष्ण दिते पार, तुमार शक्ति आछे आमी तो कंगाल। मैं कंगाल हूं, मेरे पास कृष्ण नहीं है। कृष्ण प्राप्त करने के लिए आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं, ये हमारा मूड होना चाहिए। सतो वृत्ति तत्त करो प्रवर्तन, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुशीलन करना, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना, उससे भक्तिमय जीवन में हम शीघ्र अति शीघ्र क्षणवीर भक्ति प्रसिद्धति भक्ति का उत्थान हम कर सकते हैं। तो हम रूप गोस्वामी पाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें। श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भक्ति के पथ पर निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, गुरु कृष्ण की सेवा में उत्साह दिखाएं और उनके दिखाए हुए सिद्धांतों के प्रति धैर्य के साथ निष्ठा के साथ हम आगे चल सकें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। उपदेशामृत ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नंदन प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु जी तो आपके प्रवचन के प्रारंभ से अंत तक जो उपदेश हैं प्रभु जी, वो तो सारे उपदेश ही आपने भक्तों को बताया प्रभु जी। बहुत सुंदर रूप से इसमें विशेष रूप से जो दूसरा और ये तीसरा श्लोक है, तो इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें, लेकिन उसमें भी प्रभु जी जो जन संघर्ष और संग त्यागा, ये दो श्लोक में रूप गोस्वामी जी बताते हैं और उसको आपने बहुत बहुत सुंदर उदाहरणों के साथ में और ऐसे मतलब जो सब लोगों को किस इस पे कितना मतलब हमको ध्यान रखना है, तो सभी भक्तों को निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ मिल रहा है प्रभु जी। ये जो जो श्रृंखला आप दे रहे हैं और इसमें आपके जो उदाहरण है प्रभु जी, वो बहुत ऐसे जो व्यावहारिक उदाहरणों के साथ में आप बता रहे हैं, तो जो जो भक्तों को एकदम से उस पे उनको वो उदाहरण के साथ में फिर सही से वो समझ उनकी बैठती है, तो आपके हम सब आभारी हैं प्रभु जी। और जैसे आपने भक्तों से अभी पूछा है, तो किसी भक्त का कोई यदि प्रश्न होगा तो वो अपना यदि हाथ देंगे तो हम लोग उनको फिर उनको अनम्यूट करके बसंत प्रभु जी को वो प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ पॉइंट भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन था प्रभु जी। प्रभु जी इसमें आपने एक श्लोक बोला था, भक्ति प्रियो माधव, वो श्लोक कौन सा बुक में? ये श्लोक मैंने वैष्णवों से सुना है, इसका बहुत एग्जैक्ट अच्छा, रेफरेंस मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं अगली कक्षा में आपको बताता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। ये मुझे लग दोस्तों रहा है किसी आचार्य का टीका है, ये किसी शास्त्र से नहीं, ये आचार्य किसी का टीका है। हरे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण। कोई और भक्त तो कुछ बताना चाहते हैं?
हरे कृष्ण। बसंत प्रभु जी, विद्वान विद्वान, प्रभु जी, उनको अनम्यूट कर दीजिए प्रभु। हाँ किया प्रभु जी मैंने। विद्वान प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु। ये समझ में है कि असत संग जो होता है कि भक्त संग और अभक्त संग, उसको थोड़ा समझने समझने का। भक्त संग और अभक्त संग, इसमें हम लोग कैसे भेद करें? क्योंकि बाहर से देखने में कोई भक्त लग सकता है लेकिन वो अभक्त हो, लेकिन बाहर से देखने में कोई अभक्त लग सकता है लेकिन वो भक्त हो। सिंपल है, जिसने गुरु कृष्ण का आश्रय लिया है वो भक्त है। जो स्वयं गुरु बना है, जो स्वयं ही अपने आप का मालिक बना है, वो भक्त नहीं। तो जब हम किसी भक्त के जीवन में देखते हैं कि बड़े निष्ठावान से प्रभुपाद के निर्देशों का पालन कर रहा है, वो ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए। तादेर चरण से भक्त सनेवास। रहुतम भी षड गोस्वामियों का आश्रय ले रहे हैं क्योंकि षड गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। ऐसे भक्तों का संग हमें करना चाहिए, जो हमसे सतोवर हो, भक्ति में हमसे श्रेष्ठ हो, भक्ति में जिनके अनुभव से, जिनकी गाइडेंस से, जिनके मार्गदर्शन से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसा कोई जो सामने से दिख रहा है साधु लेकिन वो स्वयं के ही इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, ऐसे लोगों का हमको संग नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत में हम लोग नहीं पहचान सकते हैं इस तरह, तो उस समय में हमको बहुत ही चुनिंदा भक्तों का संग करना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद वेरी वेरी फ्यू, लिसन टू वेरी फ्यू एंड फॉलो ओनली वन, ये भक्त लोग बोला करते हैं। आप सबको सम्मान दीजिए लेकिन संगत बहुत कम लोगों की कीजिए, बहुत चुनिंदा।